नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसकी मार्केट कैप है 37,638 करोड़ की, फेस वैल्यू है 10, एंड इसकी फंडामेंटल की वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक भी ऐड कर दूंगी, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके ये मैं वीडियो बना रही हूँ एक शॉर्ट टर्म का टारगेट लेके कि शॉर्ट टर्म में क्या आपको कौन सा स्टॉक आपको बेनिफिट दे सकता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट से भी रिकमेंडेशन आई है। इसका जो स्ट्रांग आप स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेके चल सकते हैं वो 47.92 है, एंड जो इसके टारगेट हैं वो है 60। 1 मंथ में आपको ये मूव दिखा सकता है। एंड इसकी आरएसआई की बात करें तो आरएसआई है अभी 74.17 के ऊपर, एंड यहाँ से पोलैरिटी चेंज करके भी गई है आरएसआई, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे मूव दिखा सकता है। 60 का टारगेट मिला है और मुझे लगता है कि इससे भी ऊपर जा सकता है जो मेरी एनालिसिस है। रेस्ट एक दो इंडिकेटर्स और लगा के हम देख लेते हैं, पहले हम इसको निकाल दें। ओके, तो इंडिकेटर लगाते हैं हम ईएमए क्रॉस का। ईएमए क्रॉस की बात करें तो इसकी सेटिंग मैं थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ, एंड इसकी सेटिंग्स अगर आप भी एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेरे लिए तो ये सेटिंग मुझे बिल्कुल फिट बैठती है। आप भी इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा अगर आपको आप एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को। तो एक रीजन और भी है स्टॉक के ऊपर जाने का कि यहां से ये टच करके ऊपर गया है। मैंने आपको बताया है पुरानी वीडियोस में भी कि जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से टच करे, नीचे से क्रॉस करे, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो यहाँ इसने क्रॉस नहीं किया है बट बिल्कुल ये टच करके गया है। एंड आप देख सकते हैं जब ये टच करके, यहाँ पे इसने क्रॉस किया था बट जब भी ये टच करके जाता है तो थोड़े से अच्छे मूव देता है ये। एंड इसका गैप अभी काफी है तो मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा, कोई संभावना नहीं है कि जल्दी इसको कट करेगा, अनलेस एंड अंटिल कोई ड्रास्टिक न्यूज आ जाती है मार्केट में, तो एक अलग बात है। एंड दूसरी बात ये भी है कि ये यहाँ पे काफी तगड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर था, एंड अभी अभी इसने रेजिस्टेंस तोड़ी है। हम एक बार देख लेते हैं कि पुरानी भी कोई इस पे रेजिस्टेंस थी इसको लेके या नहीं। तो यस, आई थिंक पुरानी भी रेजिस्टेंस है, एक बार इसको वीक के चार्ट पे करके देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पुरानी भी काफी रेजिस्टेंस है एंड उसी के अकॉर्डिंग ये टारगेट भी दिए गए हैं 60 के। ओके, तो पुराने रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे 2014 की रेजिस्टेंस आती है, फिर उसके पुराने पुराने तो काफी रेजिस्टेंस है। एंड इसकी हाई की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई जो गया था वो गया था 96। तो यस, ये यहाँ पे इसने जो ये हाफ सर्कल सा बनाया है ये भी एक काफी अच्छा साइन होता है, क्योंकि काफी टाइम से ये 2014 से इसी रेंज में है एंड 2014 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एंड आई थिंक, देखिए ये बिल्कुल उसकी रेजिस्टेंस पे खड़ा है इस टाइम, एंड अगर ये यहां से मूव देता है तो ऑफ कोर्स ये 60 भी क्रॉस कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। एंड दूसरी चीज ये है इसका पॉजिटिव साइन कि इसने वॉल्यूम जो दिया है वो काफी अच्छा दिया है। वॉल्यूम जंप आप देखें तो यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास था, एंड यहाँ पे ये जंप करके ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ के आसपास हो गया है। अंकि ये ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, 52 वीक हाई जरूर इसने दिया है, ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, थोड़ी सी ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी। एंड अभी ये मुझे लगता है कि काफी अच्छे मूव दिखा सकता है वॉल्यूम को ध्यान में रखे। ओके, तो एक बार इसका प्राइस बैंड एंड एवरीथिंग चेक कर लेते हैं कि क्या है, या कोई न्यूज आई है जिसकी वजह से ये इसके प्राइस पे फर्क पड़ सके। तो इसका प्राइस बैंड है 20 का इस टाइम। ओके, एंड इसका अगर ये 20 भाग गया तो ये तो एक ही दिन में उसको टारगेट को अचीव कर सकता है। रेस्ट अगर न्यूज की बात करें तो न्यूज अभी तक कोई नहीं आई है ऐसी कि कुछ इसके प्राइस के ऊपर फर्क पड़े। रिसेंट न्यूज कोई नहीं है, ये पुरानी ही न्यूज है 18 से पहले की, 18 और 18 से पहले की, तो अभी कोई रिसेंट ऐसी न्यूज आई नहीं है जिससे इस पर फर्क पड़े। सो यस, आप इस पे एंट्री बना सकते हैं मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एंड ये रेकमेंडेड है फ्रॉम आईसीआईसी डायरेक्ट। सो यस, 47.92 का या 90 का स्टॉप लॉस लेके चलें, एंड टारगेट तो आपको बता ही दिया है 60 या 60 प्लस के टारगेट इसमें रहेंगे। बस खुद की एनालिसिस भी कीजिए, एंड रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्यूसडे को। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।